चलिए तो हम लोग आते हैं अब यहाँ मौलिक अधिकार की ओर आएंगे। इससे पहले अनुच्छेद भाग एक, जिसमें आपको भारत के संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है, और वह अनुच्छेद एक से लेकर आपको चार तक आते हैं, तो बहुत ज्यादा उसके विषय में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें आपको मूल रूप से जो 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, बस उसके राज्य और राजधानियों की चर्चा की गई है। तो बस आपको यह याद करना है कि अनुच्छेद भाग एक में क्या है, तो संघ राज्य और क्षेत्रों का परिचय उसमें दिया गया है, और फिर अनुच्छेद कहां से है, तो एक से लेकर चार है। फिर दूसरा है भाग दो, चूंकि हम आपको मैं बता रहा हूं कि मैं अगर उतना डीपली पढ़ाऊंगा तो आपको भारतीय संविधान ही है सो 4 महीना चलेगा, तो फिर हमें यहां पर रेलवे को भी कवर करना है ना, रेलवे सामने में परीक्षा है तो उसको भी ध्यान में देना है, और उतने डीप नहीं पढ़ने हैं जिससे कि यह संविधान ही लंबा खींच जाए, ठीक है। जो परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनको केंद्रित किया जाता है, उनको लेकर आएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग ज्यादा परेशान नहीं होंगे, और चूंकि यह सोचकर कि सर उसको डिटेल क्यों नहीं लिखा रहे हैं कि हाँ भारत के संघ राज्य, तो फिर आप सोचिए कि मैं 25 राज्यों का नाम लिखाऊं, राजधानियों का नाम लिखाऊं, केंद्र शासित प्रदेशों का नाम लिखाऊं, उनके राजधानियों का नाम लिखाऊं, तो ये फिर लंबे खिंच जाएंगे, तो उतनी आवश्यकता नहीं, उतना आप समझते हैं। फिर आते हैं भाग दो, बिल्कुल भाग दो में आपको नागरिकता, भारत की नागरिकता, भारत की नागरिकता अनुच्छेद आपको 5 से लेकर 11 तक उसकी चर्चा की गई है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। जन्म के आधार पे यहाँ पे जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से पहले यहाँ जन्म ले चुका है उनको भारत की नागरिकता मिलेगी यहाँ पे। वंश के आधार पर उनके माता पिता अगर 26 जनवरी 1950 से भारत में रहते हैं तो फिर उनके उनको है सो नागरिकता मिलेगी। देशीकरण के द्वारा अगर कोई ऐसा क्षेत्र जो आपको भारत में मिलाया जाता है उसके द्वारा भी उनको मिलेगी। अगर आपको पंजीकरण के द्वारा कोई व्यक्ति बाहर में रहता है और चाहता है कि उनको भारत की नागरिकता मिले, तो उसके टर्म एंड कंडीशन बने हुए हैं और उसमें वह रजिस्ट्रेशन कराकर यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, बशर्ते दूसरे देश की नागरिकता जैसे ही प्राप्त करेगा वहां की नागरिकता को वह खो देगा। और इसके भी कुछ टर्म बने हुए हैं कि यहाँ पर कम से कम पहले होता था क्या कि 6 महीने, लेकिन बाद में 1986 के संविधान 1986 में आपको नागरिकता संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत अब उसको 5 वर्ष यहां पर रहना होगा तब उसको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। तो इसके द्वारा जो कि आपको पंजीकरण में मान्य होता है, तो फिर ऐसे कुछ है सो नागरिकता संबंधी अनुच्छेद के तहत हैं जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आते हैं, और यह है सो भाग दो में है। तो हमको ज्यादा यहाँ पर नागरिकता के विषय में भी बस केवल भारत की नागरिकता, आप जानते हैं कि भारत में एकल नागरिकता है, लेकिन केंद्र आपको केवल अगर बात करें हम तो जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता है। तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष 370 अनुच्छेद के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया है, तो उसको अपवाद मानकर चलिए वहां दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत के बाकी सभी राज्य में एकल नागरिकता है, वहां राज्यों के लिए अलग नहीं नागरिकता है। तो यह है महत्वपूर्ण बातें। तो ये है आपको, अब नागरिकता खो भी सकता है, अगर वह चाहे तो नागरिकता खोने का एक आवेदन देकर भी अपनी नागरिकता को समाप्त करके दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त कर सकता है एक व्यक्ति। तो वो सारी चीजें आपको नागरिकता संबंधी भाग दो में चर्चा की गई, लेकिन महत्वपूर्ण जो हमारा है भाग तीन, तो इसको हम लोग जरूर से देखेंगे। और भाग तीन के तहत आप देखिए मौलिक अधिकार, भाग तीन के तहत ये बड़े ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, न केवल मौलिक अधिकार, बहुत सारे प्रश्न, जैसे आपको देखिए कि ये मौलिक अधिकार किस भाग के तहत आता है, एक तो भाग तीन के अंतर्गत मौलिक अधिकार अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो बिल्कुल आप देख रहे हैं 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक। उसके बाद बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि मौलिक अधिकार जब भी मूल संविधान था तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो मौलिक अधिकारों की संख्या मौलिक संविधान जब भी मूल संविधान था जो हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था उस समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 मौलिक अधिकारों को। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने, तो 6। तो फिर ये एक मौलिक अधिकार कहां गए, तो वो था संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिए। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उनको हटा दिया गया और उनको कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते थे, तो 31 अनुच्छेद 31 के तहत आते थे, और उनको वहां से हटाकर कहां ले जाया गया, तो 300 के तहत ले गए। वैसे बहुत सारे प्रश्न आपको मौलिक अधिकार से आते हैं। फिर मौलिक अधिकार को फिर एक प्रश्न यह भी आता है बार बार
किसे मौलिक अधिकार की आत्मा के नाम से जाना जाता है, अर्थात भीमराव अम्बेडकर संविधान के मौलिक अधिकार की आत्मा के नाम से किसे जानते हैं, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो बड़े ही महत्वपूर्ण है। तो आपको मैंने यहां पर मौलिक अधिकार जो हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं उसके तहत जो 6 मौलिक अधिकार आते हैं वो यहां स्पष्ट मैंने लिखा हुआ है, जो आपको यहां बोर्ड पे दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं पहला समता का अधिकार, बिल्कुल समता का अधिकार, जाति धर्म वंश लिंग सभी के आधार पे विभेद उत्पन्न व्यक्तियों के बीच में नहीं किया जा सकता, अर्थात सभी यहां पर जन्म के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे सभी यहां पर व्यक्ति समान है, उनको समान रूप से अधिकार दिया गया, विशेषता उनको कुछ नहीं यहां दी गई। तो ये आपको समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। लेकिन इसमें 14 से 18 में बहुत सारे अलग अलग बातें हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण आपको है अनुच्छेद 17। ये अनुच्छेद 17 जो है यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है, उनके द्वारा विशेष रूप से इस पर जोर दिया गया था। और यह है अस्पृश्यता का उन्मूलन, अर्थात छुआछूत, छुआछूत की समाप्ति। ये आपको अनुच्छेद 17 के द्वारा पहले देखते थे, आज भी बहुत कुछ समाज में ऐसी विचारधाराएं हैं जिसके तहत है सो उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों से एक दूरी बनाते हैं, छुआछूत, अगर उनके छुए पानी में पीते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ऐसे बहुत सारे इससे गुजरना पड़ा, और जिसके बाद एक समाज से ऐसी रूढ़िवादी विचारधाराओं को समाप्त किया गया। और ये आपको है सो अनुच्छेद 17 को लाकर, और इसके तहत छुआछूत जैसी एक बीमारी कहिए इसको, जो समाज में पनपती हुई बीमारी थी, उसको समाप्त किया गया। और ये आपको है सो अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो बड़े ही महत्वपूर्ण। तो इसके तहत अनुच्छेद 14 जैसे विधि के समानता, तो ऐसी चीजें इसमें आपको दिया गया है, जो मैं आगे इस पर चर्चा करूंगा, लिखाऊंगा आपको, चर्चा तो कर ही रहा हूं, लिखाऊंगा, जिसमें रोजगार में अवसर की समानता यह भी आपको दिया गया है अनुच्छेद 16 के तहत। तो इन सभी अगला हम लोग आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता के तो हमें फ्रीडम है, भाषण देने का है, हमें अगर कोई हमें लगता है कि ये गलत है तो हम आंदोलन कर सकते हैं, हम अपनी बातों को कहीं रख सकते हैं। तो बोलने बैठने खाने पीने रहने उठने हर एक तरह की स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ जिससे कि समाज में एक विपरीत बातें ना जाए, जैसे मान लिया कि भाषण हम दे रहे, तो भाषण में हम ऐसी कोई भी बातें ना बोलेंगे जिससे कि एक गलत तरह का समाज में प्रचार जाए, जिससे किसी प्रकार की हिंसा भड़क जाए। आप आए दिन देखे होंगे ऐसे नेताओं को इस तरीके का, जिनके द्वारा गलत तरह की बातें समाज में बोली जाती है, भाषण के दौरान बोला जाता है, और उसके बाद आपस में ही हमारी एकता विखंडित होती है, हम लोग हिंसा के दौर में गुजर जाते हैं। तो ये सभी चीज नहीं, इस तरीके की बातें नहीं, लेकिन हमें बोलने की बैठने की खाने पीने इसमें हर एक तरह की स्वतंत्रता, इसमें कहीं भी जाति धर्म वंश इन सभी के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, ये स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें एक महत्वपूर्ण आता है अनुच्छेद 19, प्रेस की स्वतंत्रता का, प्रेस को स्वतंत्रता का अधिकार इस अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया है, अर्थात प्रेस पूरे तरीके से स्वतंत्र है, इस पर सरकार की भी कोई अधिकार नहीं है। सरकार प्रेस जो है पूरे तरीके से सच्चाई को सामने लाने का कार्य करेगी। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध के अधिकार के तहत महत्वपूर्ण बातें हैं आपको कि इसके तहत 14 बरस से कम उम्र के बच्चों से आप कार्य नहीं ले सकते, अर्थात उनको है सो कहीं पर नौकर के रूप में या उनको कहीं बाहर में काम करवाने के लिए नहीं रख सकते। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि बलात् व्यापार इनके द्वारा कराया जाता था, अर्थात व्यापार इनका बच्चों का व्यापार किया जाता था, इनको गांव से समाज से लेकर बच्चों को खरीद फरोख्त का काम किया जाता था बच्चों को, या फिर व्यक्तियों को। आज भी देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे व्यापारी आते हैं, ठेकेदार आते हैं, कम पैसे देकर, जो सरकार का एक पैमाना नियत किया हुआ है मजदूरी, उससे कम पैसे देकर उनको यहां से लेकर और पंजाब हरियाणा वैसे जगह पर जहां पर मजदूरों की आवश्यकता है वहां ले जाते हैं, ठेकेदारी के रूप में कम पैसे देते हैं और बीच का पैसा वो कमाते हैं और उनसे है सो कार्य करवाते हैं। तो ये कार्य
जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता है। पुराने जमाने में क्या होते थे कि जमींदार लोग थे वो अपनी जमीनों को है सो नीचे वर्ग के लोगों को दे देते थे और पूरे जीवन काल उनका शोषण करते थे, उनके द्वारा कार्य कराते थे। तो ऐसी सभी चीजों पर रोक लगाया गया, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के तहत। इसके तहत बात आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बिल्कुल आप जानते हैं कि हमारा देश है सो धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में देश को राज्य के रूप में चर्चा की गई। तो यहां पर सभी धर्मों को मानने का व्यक्तियों को अधिकार है। हिंदू अपने हिंदू धर्म को मानेंगे, मुस्लिम ईसाई धर्म को मानेंगे, ईसाई क्रिश्चियन धर्म को मानेंगे। तो सभी को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है। उनको जबरदस्ती हम है सो अन्य धर्मों को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आप बहुत सारे ऐसे देखे होंगे कि हिंदू मुसलमानों के धर्म को नहीं मानते, तो ऐसा नहीं है कि उनको जबरदस्ती मनवाया जा सकता है, या फिर मुसलमान हिंदुओं में के धर्म को नहीं मानते तो उनको मनवाया जा सकता, नहीं ऐसा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर भारत हमारा देश है पूरे तरीके से धर्मनिरपेक्ष देश, और यहाँ पर पूरे तरीके से स्वतंत्र है। वो होली मनाएंगे हिंदू, तो वो ईद मनाएंगे मुसलमान, तो ईसाई आपको है सो गुड फ्राइडे या फिर बड़ा दिन इस तरीके के वो भी हैं सो त्योहार को मनाएंगे। तो वो हरेक लोग हरेक जगह पूरे तरीके से फ्री हैं, उन पे जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता उनको। जैसे आप देखते होंगे कि आपको है सो हिंदू अपने दुर्गा पूजा के अवसर पे जुलूस निकालते हैं, रामनवमी के अवसर पे जुलूस निकालते हैं, मुसलमान भी आपको मुहर्रम के अवसर पे तजिया निकालते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पूरे तरीके से वो करने को फ्रीडम है, उनको स्वतंत्रता मिली हुई है। तो यहाँ पर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। वो मस्जिद का निर्माण कर सकते हैं मुसलमान, हिंदू मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, ईसाई चर्च का निर्माण कर सकते हैं, उनको रोक नहीं है। तो यहाँ पर हरेक लोग को स्वतंत्रता है अपने धर्म को मानने का, अपनी धार्मिक क्रियाकलापों को करने का पूरे तरीके से आजादी है। फिर तो ये आते हैं कितना, अनुच्छेद 25 से 28 से। फिर आते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा बड़े ही महत्वपूर्ण। हमारी संस्कृति, हम हिंदू हैं तो हमारी संस्कृति जो है जिसके तहत हम होली दीपावली पहनने का तरीका, उठने का तरीका, बोलने का तरीका, ये सभी कुछ हमारी संस्कृति के तहत आता है, तो यह हम स्वतंत्र हैं। जैसे मुस्लिम धर्म को कहें तो उनके बैठने उठने का अंदाज, पहनने का लिबास, उनके माथे पर वो टोपी लगाते हैं तो हम उनको टोपी उनको नहीं हटवा सकते, क्योंकि वो उनके धर्म से उनके आस्था से जुड़ा हुआ। वो कुरान पढ़ते हैं तो वो कुरान पढ़ेंगे, हम रामायण पढ़ेंगे, हम रामायण पढ़ने के लिए उनको बाध्य नहीं कर सकते, वो कुरान पढ़ने के लिए हमें बाध्य नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजें आपको है सो हमारे धर्म हमारी संस्कृति में जो चीज है उसके तरह हम पूरे तरीके से स्वतंत्र है। शिक्षा संबंधी अधिकार उसी के अंतर्गत आता है, अर्थात हम आप देखते होंगे मुसलमानों को उनके मदरसे हैं, वहां पे वो शिक्षा उर्दू की शिक्षाएं दी जाती है उनको, तो वो स्वतंत्र है उसको करने के लिए मानने के लिए वहां। तो वो मदरसे का निर्माण करेंगे, वहां पे पढ़ाई कराएंगे, उर्दू में पढ़ाई पढ़वाएंगे, हम उनको नहीं रोक सकते वहां। हमारे हिंदू आप देखते होंगे यहाँ पे सरकार के द्वारा उर्दू को भी यहाँ पे लैंग्वेज बनाया गया है, तो यहाँ पर उर्दू भाषा भी पढ़े जाते हैं और यहाँ पर उर्दू की अलग से पढ़ाई की भी व्यवस्था है। तो सभी को यहाँ पर सभी के विषय में देखा जाता है और उनको पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं वो करने के लिए, उनको कहीं से रोका नहीं जा सकता। तो अपनी संस्कृति को और शिक्षा संबंधी उनको अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के तहत दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात ये ऊपर के जो 5 हैं मौलिक अधिकार, इनका कहीं हनन होता है, इनका शोषण किया जाता है, तो फिर ये इस अनुच्छेद के तहत न्यायपालिका से अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं, जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आता है अनुच्छेद 32 से 35 के तहत। बीच में अब आपको याद होगा मैंने बताया था 30 के बाद 31 जो संपत्ति का अधिकार जो कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो यहां से हटा दिया गया, कहां चला गया, तो अनुच्छेद 300 क के तहत चला गया। तो ये मौलिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, ये कल के क्लास में हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी आइए सबसे पहले आप लिखेंगे मौलिक अधिकार, तो आप सबसे पहला चीज करें मौलिक अधिकार को लिखें यहां पर मौलिक भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। आप इसको लिखें अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार, फिर नीचे में हम डिटेल्स में आपको लिखाने जा रहे हैं।
चलिए तो लिखिएगा डैश लेकिन नीचे से लिखिएगा संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकारों को संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया था लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया जिससे केवल 6 मौलिक अधिकार रह गए मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्य की विधानसभाओं को कोई विधि बनाने का अधिकार नहीं है यह अधिकार केवल संसद को दिया गया है लिखिएगा मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं। अब आप ये जो है 6 मौलिक अधिकार इसको लिखिएगा पहला समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18। अब उसके नीचे आप करिएगा क्या कि अनुच्छेद 14 लिखिए और डैश दीजिए और लिखिएगा विधि के समक्ष समानता का अधिकार। नेक्स्ट लिखिएगा अनुच्छेद 15 डैश देके लिखिएगा सभी सार्वजनिक स्थान जैसे दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, सड़क, तालाब आदि को धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता
नहीं किया जा सकता। फिर अगला लिखिएगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 लिखिएगा, उसमें डैश देखे, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब कहने का मतलब है सभी भी वैसे संस्था, सरकारी संस्था जैसे यूपीएससी है, बीपीएससी है, या फिर राज्य सरकार का, चाहे रेलवे का, इन सभी स्थानों में है सो सभी को अवसर की समानता, मतलब सभी व्यक्ति वहां पे है सो नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन लिखेगा अवसर की समानता, लिखेगा उसी में, लेकिन सरकार पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण कर सकती है। नेक्स्ट में लिखेगा अनुच्छेद 17। मैं बता दूं कि कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को लिखा रहे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए सभी अनुच्छेद को नहीं लिखाएंगे, लेकिन ये सभी पूछे जाते हैं इसलिए लिखवा रहे हैं। लिखेगा अनुच्छेद 17। डैश देख लिखेगा अस्य पृष्यता, यहां लिख देते हैं अस्य पृष्यता या छुआछूत, इसको ऐसे लिखे अस्पृश्यता या छुआछूत की समाप्ति, इसके तहत अस्पृश्यता या छुआछूत की समाप्ति। और अगला लिखेगा अनुच्छेद 18 उपाधियों की समाप्ति। डैश देख लिखेगा इसमें राज्य का मतलब यहां केंद्र होता है, राज्य सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय, सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और कल हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग कल फिर मिलते हैं, ठीक है? तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।